अगर आपने अभी तक BCD Tech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी YouTube ऐप पर सर्च करें BCD Tech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमसे एक्सीडेंटली एक हमारी इम्पोर्टेंट फाइल डिलीट हो जाती है। अब ये जो फाइल है ये हमारे लैपटॉप में भी हो सकती है, डेस्कटॉप में भी हो सकती है, मोबाइल फ़ोन के SD कार्ड में भी हो सकती है, कैमकॉर्डर कैमरा में भी हो सकती है, या फिर किसी एक्सटर्नल ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क में भी हो सकती है। तो कई बार फाइलें डिलीट हो जाती हैं, और जब हमें पता चलता है कि हमने गलती से एक इम्पॉर्टेंट फाइल को, जिस पर मैं पिछले 2 महीने से मेहनत कर रहा था, वो एक्सीडेंटली डिलीट हो गई है, तो ऐसे केस में आपका पहला सवाल क्या होता है कि क्या मैं उस फाइल को रिकवर कर सकता हूं? तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान लीजिए, अगर आपकी हार्ड डिस्क में या फिर किसी डिस्क या ड्राइव में कोई फाइल स्टोर है और आपसे वो गलती से डिलीट हो गई है, या फिर किसी वायरस या फिर किसी भी तरीके से वो अब फाइल नहीं आपको मिल रही है, तो ऐसे केस में आपको उस ड्राइव पर और कोई डाटा नहीं लिखना है। याद रखना, आपको उस ड्राइव पर, उस डिस्क पर, उस SD कार्ड पर, उस हार्ड डिस्क पर कोई डाटा नहीं लिखना है। अगर आप डाटा लिख दोगे तो हो सकता है कि जिन सेक्टर्स में वो फाइल स्टोर है वो ओवरराइट हो जाएं, तो ऐसे केस में रिकवरी कर पाना नामुमकिन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का पहले ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, अगर आपने उस सेक्टर में, मतलब कि आपने उस ड्राइव में कोई डाटा दोबारा से नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 100% चांसेस होते हैं कि आप अपनी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर पाएं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको अगर नॉलेज है कि कैसे हार्ड डिस्क को स्कैन किया जाता है, कैसे सेक्टर वाइज सेक्टर्स को स्कैन किया जाता है, और साथ में जो फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है उसका इनिशियल, मतलब कि बाइनरी फाइल में उसका इनिशियल क्या है, तो ऐसे केस में आप बिना किसी एक्सटर्नल सपोर्ट के भी अपनी उस फाइल को रिकवर कर सकते हो। बट दोस्तों, हर कोई जीनियस तो होता नहीं, तो यहाँ पर इन्हीं जो नॉन जीनियस पर्सन है उनके लिए मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कि डेफिनेटली आपकी मदद करेगा। और यहाँ पर दोस्तों, मुझसे भी एक्सीडेंटली कुछ फाइल्स डिलीट हो गई थी। मैंने बहुत सारी सर्चिंग की है, गूगल बाबा से पूछा है कि भैया मुझे बता दे कि कैसे मैं इन डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकता हूँ। तो गूगल बाबा ने मुझे बहुत सारी ऑप्शंस दी, यहाँ पर मैंने एक एक करके सारी ऑप्शंस को यूज़ किए। दोस्तों, सारी ऑप्शंस अच्छे से वर्क करी थी, बट कुछ ना कुछ उनमें दिक्कतें थी, जैसे कि अगर मेरी किसी SSD में कोई फाइल स्टोर है और वहाँ से वो डिलीट हो जाए तो वहाँ से इन फाइल्स को रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, और मेनली जितने भी सॉफ्टवेयर मुझे मिले हैं वो तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे वंडरशेयर का रिकवर इट सॉफ्टवेयर मिला है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है और इसके थ्रू आप बहुत आराम से अपनी डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकते हो। आइए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप रिकवर कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, मेरे पास है एक विंडोज़ का लैपटॉप, और इस लैपटॉप में कुल है मेरे 3 पार्टीशन, और ये है सबसे बड़ा पार्टीशन, और यहाँ पर है मेरी ये 3 इंपॉर्टेंट फाइल्स। तो इसमें है एक BCD का लोगो जिस पर मैं काफ़ी समय से काम कर रहा था ऑलरेडी। दोस्तों, यहाँ पर एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि कई बार फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, और साथ में मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उसकी PPTs मैंने अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पर बनाई हैं। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, और साथ में दोस्तों अभी शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई थी तो एक फ़ोटो भी है। तो आइए इन तीनों फाइल्स को शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं, मतलब कि परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिए हैं। तो आइए दोस्तों, बिगर किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मैं उन 3 फाइल्स को इससे रिकवर करता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वंडरशेयर का ये सॉफ्टवेयर चला देता हूँ। तो ये है इस सॉफ्टवेयर की UI, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये किन किन फाइल्स को रिकवर कर सकता है। तो डिलीटेड फाइल है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, रिसाइकल बिन से एम्प्टी हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर डिस्क फॉर्मेट हो चुकी है, एक्सीडेंटली फॉर्मेट हो चुकी है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, अगर पार्टीजन लॉस हो चुका है जैसे कि डिलीटेड पार्टीजन, हिडन लॉस या फिर रिसाइज पार्टीजन, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। एक्सटर्नल ड्राइव है जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, USB फ्लैश ड्राइव होगी, हार्ड डिस्क होगी या फिर कोई भी और रिमूवेबल ड्राइव है, तो उसमें अगर कोई फाइल डिलीट हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। वायरस की वजह से कोई यहाँ पर फाइल डिलीट हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर कोई क्रैश की वजह से फाइल डिलीट हुई है या फिर बूट फेलियर की वजह से फाइल डिलीट हुई है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, और अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इस लास्ट वाली ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, हम अपनी फाइल को रिकवर करते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर देता हूँ D ड्राइव को,
और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो तीन फाइल्स जो मेरी डिलीट हुई थी वो मुझे दोस्तों पहले स्कैन में आराम से मिल गई है। तो यहाँ पर आप उस फाइल का प्रीव्यू दे सकते हो और मैं इसको डायरेक्टली रिकवर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जब भी आप फाइल को रिकवर करोगे तो उस ड्राइव में बिल्कुल भी रिकवर ना करें जहाँ पर ये फाइल पहले थी। आपको उस ड्राइव में कुछ नहीं लिखना, तो आप इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर किसी और ड्राइव में रिकवर कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको रिकवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन योर लाइसेंस आपसे ये पूछेगा या फिर नहीं भी पूछेगा। तो जैसे कि मेरे केस में ये फ्री लाइसेंस है, तो यहाँ पर मैं इसको फ्री के केस में रिकवर कर देता हूँ। और कहाँ रिकवर करता हूँ, यहाँ पर मैं रिकवर करने जा रहा हूँ ई ड्राइव में। तो ई ड्राइव में ये रिकवर हो चुका है और यहाँ पर आप इस फाइल को देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो फाइल है ये रिकवर हो चुकी है। आइए आप इस इमेज फाइल को, मतलब कि शर्मा जी वाली जो इमेज फाइल है उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो फाइल है इसका प्रीव्यू मुझे मिल नहीं रहा है, आइए इसको एक बार रिकवर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ई ड्राइव में रिकवर कर देता हूँ और तो ये फाइल भी हमें मिल गई है, आप देख लीजिए। तो ये फाइल भी हमें मिल गई है, तो ये दोनों फाइल तो रिकवर हो चुकी है। आइए अब हमारी जो पीपीटी फाइल है, तो यहाँ पर इसने दो पीपीटी फाइल को दिखाया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी फाइल कौन सी है, तो मुझे दोस्तों ये प्रीव्यू नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों फाइल्स को रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्री वाले में कर लेते हैं और इसको मैं वापस ई ड्राइव में रिकवर कर देता हूँ। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पीपीटी फाइल है वो भी रिकवर हो गई है। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से आप अपनी डिलीटेड फाइल को यहाँ पर रिकवर कर सकते हो। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल स्कैन ये सॉफ्टवेयर करता है उसमें आपको अपनी फाइल देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में आप नीचे ऑल अराउंड रिकवरी को टैप कर सकते हो। तो ऐसे केस में ये जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है ये हार्ड डिस्क का ईच एंड एवरी सेक्टर अच्छे से रीड करेगा। अगर यहाँ पर किसी सेक्टर में किसी फाइल का ट्रेस मिलता है तो ये जो स्कैनिंग है ये जंप नहीं करेगी, ये अगले सेक्टर में जाएगी। तो इस तरीके से जो फाइल आपको नहीं मिल रही है उसके मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको इनिशियल स्कैन में फाइल नहीं मिली है तो आप डीप स्कैन भी कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी बड़ी है और कितना आपका प्रोसेसर फास्ट है, इस स्कैन को कंप्लीट होने में कुछ समय लगेगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि वंडरशेयर का रिकवर इट कितनी आसानी से एक डिलीटेड फाइल को रिकवर कर सकता है। तो अब आपसे कभी कोई फाइल एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो आपको अब गूगल से पूछने की जरूरत नहीं, आप इस सॉफ्टवेयर पर बेफिक्र होकर ट्रस्ट कर सकते हो, ये काफ़ी आसानी से आपकी फाइल को रिकवर कर सकता है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है कि मार्केट में जो और सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पर मेरी फाइल को रिकवर क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सॉफ्टवेयर्स खराब हैं, गलत हैं, बस दोस्तों इतना कहूँगा कि जो अपने आप को अपडेट रखता है वो सक्सेसफुल होता है। तो वंडरशेयर का रिकवर इट अपने आप को अपडेट करता रहता है और इसी वजह से अगर कोई सिक्योरिटी पैच आते हैं जिसमें फाइल सिस्टम में या फिर फाइल जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो वंडरशेयर उसको बहुत ही जल्दी अपने इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कर लेता है और इसी वजह से ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमेशा वर्क करता है। तो चाहे दोस्तों आपके पास कोई मैक का सिस्टम हो, चाहे विंडोज़ का सिस्टम हो, चाहे आपके पास कोई फैट फॉर्मेटेड पार्टीजन्स हो या फिर SD कार्ड हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपका हमेशा वर्क करेगा। तो अगर आपसे कोई फाइल कभी एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए तो आप वंडरशेयर के इस सॉफ्टवेयर पर भरोसा कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा वंडरशेयर का रिकवर इट, एक काफ़ी बढ़िया डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप बताइए कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस सॉफ्टवेयर को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस सॉफ्टवेयर के बारे में जान पाए। तो मैं आपसे अब विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।